hello students i hope you all are fine and well now be ready for an english grammar today we are going to start our topic adjective and adverb first of all i read this box first is this is a sweet mango and the second one is lata sings sweetly first of all i read this after that i will explain it इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड स्वीट इज एन एडजेक्टिव इट डिस्क्राइब्स द नाउन मैंगो और फर्स्ट सेंटेंस में स्वीट है वो हमारा एडजेक्टिव है जब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो करवाया था तभी मैंने आपको एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की डेफिनेशन बता दी थी तो अब आप आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या करता है कि हमारा जो नाउन हो नाउन है उसे डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो मैंगो है तो मैंगो कैसा है स्वीट तो स्वीट क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव क्योंकि वो हमें नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड स्वीटली इज एन एडवर्ब इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब सिंग्स अब आपको पता है कि एडवर्ब यहाँ पे क्या है स्वीटली क्योंकि एडवर्ब क्या हमें एक्सप्लेन करता है कि आ, किस तरह का है कब कहाँ ये सब जो हमें क्वेश्चंस के आंसर जिस सेंटेंस में मिलते हैं उसमें हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वो गा तो रहा है पर वो क्या कैसे गा रहा है स्वीटली तो किस तरह कैसे कब ये सब हम डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज़ करते हैं इट आंसर द क्वेश्चन हाउ डज लता सिंह कि वो किस तरह गा रही है तो स्वीटली लर्न अ वर्ट दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव इज यूजली यूज बिफोर द नाउन विच इज डिस्क्राइब्स अब एडजेक्टिव कब यूज होते हैं नाउन के पहले और उसकी डेफिनेशन भी देखो यहाँ पर दी गई है अ वर्ट दैट डिस्क्राइब अ नाउन इज कॉल्ड एंड एडजेक्टिव यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी है अ बिग टाउन अ क्लेवर स्टूडेंट अ ग्रेट मैन तो आप देखिए बिग टाउन में टाउन हमारा नाउन है पर वो कैसा है बिग तो टाउन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बिग से कि वो बड़ा है फिर यहाँ पर स्टूडेंट तो है पर कैसा क्लेवर और लास्ट में मैन तो है पर वो ग्रेट मैन है तो यहाँ पर बिग क्लेवर एंड ग्रेट हमारे एबजेक्टिव हुए और वर्ड दट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एंड एडवर्ब अब वर्ब के मीनिंग में कुछ एड करते हैं उससे एडवर्ब बोलते हैं इट इज़ जनरली यूज आफ्टर द वर्ब वो ज़्यादातर वर्ब के बाद में यूज होते हैं अब देख सकते हैं आप यहाँ पर सिंग्स यानी कि गाना जो था वो हमारा वर्ब था और जो एडवर्ब था वो उसके पीछे था कि वो किस तरह गा रहा है तो स्वीटली यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल्स है ही रैन फास्ट वो दौड़ तो रहा था पर किस तरह फास्ट तो और सेकेंड वन इज़ दे फॉट ब्रेवली उन्होंने फाइट तो की पर किस तरह बहादुरी से यानी कि ब्रेवली तो ये हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब की एक्सप्लेनेशन फिर से देख ली है अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं एक्सरसाइज से पहले ये बॉक्स भी देख लेते हैं जो आपकी बुक में भी ऑलरेडी दिया गया है मैनी एडवर्ब्स आर मेड बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिवस हियर आर सम एग्जाम्पल्स अब देखिए यहाँ पर हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब ऐसे दो टेबल दिए गए हैं तो जैसे कि एडवर्ब पोलाइट है तो उसका जब हम सॉरी एडजेक्टिव पोलाइट है तो जब हम उसका एडवर्ब करेंगे तो पीछे हमें एल वाई एड करना है ज़्यादातर एडवर्ब में पीछे एल वाई एड होता ही है ये सारे टेबल यह, यहाँ पर जो सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं स्लो का हो रहा है स्लोली फिर टीमिट का टीमिटली सैड का सैडली इस तरह से जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं वो आप जब होमवर्क लिखे आज एक्सरसाइज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो मैं आपको रोज देती हूँ वो आप अपनी ग्रामर बुक में लिखें उससे पहले आपको ये टेबल भी ड्रॉ करके अपनी बुक में लिख देना है इसे एक बार अच्छे से शांति से पढ़ लेना है और याद भी रख लेना है ज़्यादा सारे एग्जाम्पल न पढ़कर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एल वाई एड करना है एडजेक्टिव से जब हम एडवर्ड में कन्वर्ट करते हैं तब ये ऑलरेडी हमारी बुक में दिया गया है सो आप प्लीज़ रीड भी कर लेना और लिख भी लेना एक्सरसाइज वन फीलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स अब हमें क्या करना है यहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव दिए गए हैं उसमें से हमें करेक्ट वर्ड जो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूट करता है वो हमें फीलिंग द ब्लैंक में फील करना है ठीक है फर्स्ट इज़ राजू इज़ एन ब्लैंक स्टूडेंट अब राजू क्या है एक स्टूडेंट है तो यहाँ पर हमें एडवर्ब ऐड करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर आएगा ओबीडियट यानी कि आज्ञाकारी तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे होगा राजू आज्ञाकारी स्टूडेंट है सेकेंड वन इज द पीपल वर टॉकिंग लाउडली अब यहाँ पर टॉकिंग है वो हमारा मेन वर्ब है और वर्ब के पीछे क्या आता है एडवर्ब तो यहाँ पर आएगा लाउडली जो पीपल है वो लाउडली बात कर रहे थे टॉकिंग यानी कि बात करना तो यहाँ पर हमें uh, जो वर्ब है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बात कर रहे थे पर किस तरह लाउडली तो यहाँ पर आएगा लाउडली थर्ड वन इज़ द ओल्ड लेडी वॉज वेरी सैड अब जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत सैड थी इसलिए यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज में आएगा सॉरी थर्ड सेंटेंस में आएगा सैड फोर्थ वन इज शी एंटर द रूम टिमिडली टिमिडली यानी कि डरते डरते तो वो रूम में किस तरह आया डरते डरते तो यहाँ पर हमें एडवर्ब फील करना है क्योंकि वो अंदर किस तरह आता है वो हमें लिखना है तो यहाँ पर आएगा टिमिडली जैसे ही मैं जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एडवर्ब हमें क्या दिखाता है कि किस तरह कब कैसे ये सब हमें डिस्क्राइब करने के लिए एडवप एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर वो किस तरह आया था डरते डरते तो ये हमें डिस्क्राइब करना है इसलिए आएगा ट्रिमिडली फिफ्थ वन इज अवर शोल्जर स्पोर्ट ब्रेवली अब वो किस तरह लड़ते हैं वो हमें लिखना है तो यहाँ पर भी एडवर्ब यूज होगा इसलिए आएगा ब्रेवली सिक्स वन इज इट वॉज़ अ प्रॉपर डिसीज़न यहाँ पर डिसीजन है वो हमारा नाउन है तो हमारा डिसीजन कैसा है वो हमें लिखना है इसके लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर proper आएगा प्रॉपरली नहीं आएगा सेवेंथ इज बी केयरफुल यानी कि संभाल के नोट टू ब्रेक द ग्लास ग्लास यानी कि कांच एथवान दिस इज नॉट प्योर गोल्ड अब वो गोल्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है और गोल्ड क्या है आपको पता है एक मटीरियल नाउन है तो नाउन के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देखना है कि गोल्ड कैसा यानि कि प्योर गोल्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो जो गोल्ड है वो प्योर नहीं है इसलिए यहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जो है प्योर नाइन्थ वन इज लिसन टू मी अटेंटिवली अब मुझे आप अटेंटिवली सुनिए यानी कि किस तरह सुनिए अटेंटिवली यानी कि ध्यान देकर। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब यूज करना है इसलिए आएगा अटेंटिवली एंड द लास्ट वन इज दे सेट देयर प्रेयर्स साइलेंटली अब यहाँ कहीं कभी प्रेयर करते हैं तो मन में करते हैं न रात को हम सोने के टाइम भी प्रेयर करते हैं तो किस तरह करते हैं साइलेंटली अब हमें यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करना है कि हम प्रेयर्स किस तरह करते हैं तो इसके लिए हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पर आएगा साइलेंटली एक्सरसाइज टू मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स अब यहाँ पर हमें आगे जैसे बॉक्स दिया गया था वैसे ही एडजेक्टिव दिए गए हैं हमें एडवर्ब लिखना है एग्जाम्पल देख लीजिए उससे पहले ईजी तो उसका हो जाएगा इजीली बट एक नोट है वो भी नीचे है देखिए नोट दैट वाई इज चेंज इन टू आई बिफोर एडिंग एल वाई अब देखिए वाई है पीछे और वहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो जब हमने सिंपल टेंस किया था तभी हमने देख लिया था तो वाई हटकर आई लगाना है और पीछे हमें एल वाई लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम करते थे तब हम पीछे आई लगाकर ई एस लिख लिख देते थे क्योंकि हमें वर्ब डिस्क्राइब करना था अब यहाँ पर हमें एडवर्ब करना है और आपको पता है एडवर्ब के पीछे ज़्यादातर एल वाई होता है तो हमें वाई को रिमूव करके वहाँ पे आई लिखना है और पीछे एल वाई एड करना है फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए हैवी तो वहाँ पर क्या आएगा वाई रिमूव करके हमें आई लिखना है और पीछे एल वाई तो आ जाएगा हैवीली फिर इसी तरह लेजी तो आएगा लेजीली ग्रेडी तो ग्रेडीली कोजी कोजिली हैप्पी उसका भी हो जाएगा हैप्पीली सिक्स इज ईजी तो उसका भी हो जाएगा ईजीली फिर बिजी तो उसका बिजीली रेडी है तो रेडी तो मैरी में मैरी ली. और लकी एडजेक्टिव का भी हो जाएगा एडवर्ब लकीली आज हमने जो एक्सरसाइज की है एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू उसको आपको हमारी जो ये जनरल इंग्लिश कोर्स ग्रामर बुक है उसमें फील कर लेना है और जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी आप करेंगे उसमें आपको मैंने आपके वीडियो को स्टार्टिंग में ही वो टेबल दिखाए थे दो वो भी आपको लिखने हैं और उसके बाद होमवर्क की एक्सरसाइज भी लिख लेनी है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक आप ये आपको ये दोनों वर्क है जो हमारी इस ग्रामर बुक में और जो आपकी होमवर्क की ग्रामर बुक है उसके भी जो वर्क इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लेने हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ओके okay, तब तक गुड बाय अ नाइस डे